हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम आज बहुत ही टेस्टी चीज़ बनाने जा रहे हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। ये जानने के लिए कि क्या है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा। आधा देखकर छोड़िएगा तो नहीं पता चलेगा क्या है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम चार आम ले लिए हैं, इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसका पल्प निकाल लिए हैं। ये तीन ही आम का पल्प है, एक आम कच्चा निकल गया इसलिए छोड़ दिए। अब हम चूल्हा पर पैन चढ़ा लिए हैं, अब इसमें आम का पल्प को डाल दिए हैं। थोड़ी देर इसे भूनेंगे ताकि आम सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। देख लीजिए, जैसे जैसे ये पकते जाएगा वैसे वैसे ये सॉफ्ट होते जाएगा और सब मिक्स हो जाएगा। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं इसका पल्प को, लेकिन हम मिक्सी में नहीं पीसते हैं। मिक्सी में पीस देने से वो जब ये जैम बनता है तो इसका क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है, दांत के नीचे जब जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए इसको हम इसी तरह से मसलते रहेंगे। देख लीजिए सॉफ्ट होते जा रहा है, जैसे जैसे पकते जा रहा है सॉफ्ट होते जा रहा है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। तीन आम का पल्प है, इसमें 200 ग्राम चीनी डाल दिए हैं हम। अब इसे आराम से धीरे धीरे इसको मिलाएंगे और तेज़ आंच पर नहीं बनाइएगा, तेज़ आंच पर बनाने से चीनी जल्दी कड़ा हो जाएगा। इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी घुल ना जाए। देख लीजिए बीच बीच में इसे हम आम का पल्प जो है और जो जो थोड़ा बहुत टुकड़ा रह गया है उसको चलाते जाएंगे और इसको हम मसलते जाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार मेरे तरीक़ा से ज़रूर बनाइए इस तरह से। वैसे तो आप लोग बनाते भी होंगे, सबको जानते होंगे बनाना, लेकिन एक बार मेरे तरीक़ा से बनाइए। ये अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तब मीठा को बैलेंस करेगा नमक। वैसे भी कोई भी मीठा चीज़ बनाइए तो थोड़ा सा नमक डालने से उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। देख लीजिए अब ये हमारा जैम तैयार हो चुका है, ये है आम का जैम, देख लीजिए। वह शीशा जैसा, देख लीजिए इसे नीचे गिरा रहे हैं तो शीशा जैसा आ रहा है, देखिए। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखने में शीशा जैसा लग रहा है, देख लीजिए। हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, इसे पूड़ी पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, ब्रेड के साथ खाइए। देख लीजिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है मेरा वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देख लीजिए ऐसे चम्मच से गिरा रहे हैं तो शीशा जैसा देखिए गिर रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना। प्लीज़ एक बार मेरे तरीक़ा से बनाइए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।